गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग सभी स्वस्थ होंगे और परिवार के साथ मजे में होंगे। तो चलिए एक रेसिपी बनाते हैं। रेसिपी बनाने के लिए मैंने थोड़ा सा चोखा लिया है आलू का, और गाजर कसी हुई ली है, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ प्याज, धनिया पत्ता, दो हरी मिर्च, टमाटर, इन सारे चीजों को लिया है। थोड़ा सा मैंने काला नमक ऐड किया है। चाट मसाला आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं। इधर मैंने डाला मंगरेल और थोड़ा मैं अजवाइन डालूंगी, और साथ में थोड़ा सा टमाटर भी है इसमें। इन सारी चीजों को खूब बढ़िया से मिला लेना है। आप चाहे तो चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं और लहसुन अदरक भी ऐड कर सकते हैं, बट मैंने इसमें लहसुन और अदरक नहीं डाला है। चलिए अब इन सारी चीजों को बहुत बढ़िया से मिला लेना है, क्योंकि जितना ही अच्छा से मिलेगा उतना ही आपका रेसिपी बहुत ही टेस्टी बनेगा। अब ये फिलिंग बहुत अच्छे से प्रिपेयर है हमारा। अब आटा है तो ये भी थोड़ा सा आटा बचा हुआ था, वही मैं यूज कर रही हूँ। कोई भी अनाज बर्बाद नहीं होना चाहिए, यही मैं कोशिश करती हूँ, और जो भी रेसिपी बनती है जबरदस्त टेस्टी बनती है। तो चलिए इस तरीके से इस आटे के गोले को अच्छे से कटोरे साइज का कर लेना है, और ये फिलिंग को भरना है, और फिलिंग की खुशबू लाजवाब है और बच्चे बहुत पसंद करते हैं इस रेसिपी को। तो इस तरीके से इस फिलिंग को हम लोग अच्छे से करेंगे। और एक चीज और कि इसकी पिरिकिया बनाएंगे, जिसे गुजिया भी आप लोग कहते हैं, और इस तरीके से इसे अच्छे से खूब बढ़िया शेप देना है। और देखिए ये गुजिया का शेप कितना अच्छा लग रहा है, और आप चाहे तो इसे दूसरा भी शेप दे सकते हैं, लेकिन मैं यही वाला शेप दूंगी, क्योंकि मेरे बच्चों को यही पसंद है और हस्बैंड को भी यही पसंद है। तो मैं ऐसे ही बना रही हूँ, और आप लोग चाहे तो दूसरा भी शेप दे सकते हैं। तो चलिए ये हमारा बनके तैयार हो गया है। ऐसा मैंने बस तीन बनाया है, देखो कितना अच्छा लग रहा है। आप चाहे तो आटे में थोड़ा रिफाइन या घी डाल के आटे में अजवाइन मंगरेल भी डाल सकते हैं, बट मैंने नहीं डाला, क्योंकि ये मेरा लेफ्ट ओवर रेसिपी था और बस मुझे ऐसे ही बनाना था। मेरा माइंड मेकअप था कि मुझे ऐसे बनाना था। अगर आप चाहे तो और इसमें डाल सकते हैं। और ये इधर मैं मेरा दूसरा भी फिर प्रिपेयर हो रहा है। इस तरीके से एक और फिल कर लेंगे, और अब चलिए इसे हम छानना शुरू करते हैं। तो चलिए अब इसे छानना शुरू करेंगे। आप चाहे तो सरसों तेल में छान सकते हैं, घी में भी छान सकते हैं, या फिर रिफाइंड ऑयल में भी छान सकते हैं। मैं इसे मस्टर्ड ऑयल में ही छानूंगी, मतलब सरसों तेल में, क्योंकि ज़्यादातर मैं सरसों तेल का ही खाने में व्यवहार करती हूँ। तो चलिए इसे छानना शुरू करें। तो चलिए बहुत अच्छा से फिलिंग हमारा अच्छे से आटे में तैयार है, और अब इसे बनाते हैं। और चलिए अब तलना शुरू कर दिया मैंने। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, तो वीडियो को जरूर अंत तक देखें और बताएं कि ये रेसिपी कैसी लगी आप लोगों को। और रेसिपी अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें,
लाइक करें वीडियो को और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई नई रेसिपीज के साथ। एंड वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। Thank you.